मुर्दाबाद मुर्दाबाद आई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगले को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त। हम लोगों ने आज उद्धव सरकार और संजय राउत जी का पुतला फूंका। वजह, उन्होंने जो एक अबला नारी कंगना रनौत पे अत्याचार किया है, उनके ऑफिस और मकान को नष्ट करने का कार्य किया है, उनको डराने और दबाने का कार्य किया है, तो उन्होंने एक तरीके से एक अबला नारी को ही नहीं, पूरे भारतीय संस्कृति और भारतीय नारी को दबाने का कार्य किया है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज उनका प्रतीकात्मक पुतला फूंका है। इसमें अधिवक्ता समाज बहुत आक्रोशित है। अगर जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला कंगना रनौत को, तो हो सकता है अधिवक्ता समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट या भाई आगे से नहीं, आगे से जयपुरा। मैं एडवोकेट अनिल प्रताप सिंह, बनारस कचहरी से। आज हम लोगों ने, हमारे साथियों ने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पुतला दहन बनारस में किया। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है वो संवैधानिक दायरे में नहीं है और संविधान के खिलाफ है, और हमारे लोकतंत्र में अगर वो तानाशाही करेंगे तो हम यहीं से उनकी महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देते हैं। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, वो महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करें और उन्हें बताएं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संवैधानिक शासन व्यवस्था होती है। हम एकात्मक, हम तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे। इसीलिए हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो पहचाने कि हमारे देश की व्यवस्था क्या है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उनको लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना पड़ेगा। अगर वो तानाशाही या तानाशाही व्यवस्था से कार्य चलाना चाहेंगे, महाराष्ट्र में वो चाहेंगे कि हमारी सरकार है, हम वहाँ पर तानाशाही करें, जिसको चाहें उसको ध्वस्त कर दें और किसी प्रकार के संविधान को, किसी प्रकार की कोर्ट को मान्यता न दें, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आज भी हम सबसे ऊपर न्यायपालिका को मानते हैं और हम न्यायपालिका के वर्चस्व को कायम रखेंगे, देश की सत्ता को, देश की संप्रभुता को कायम रखेंगे। ये संदेश हम देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी को और देश के शासन को, सरकार को, कि उनको तत्काल बर्खास्त करें। थैंक यू भैया।